नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज के निफ्टी व्यू और बैंक निफ्टी व्यू के अंदर आप लोगों का सबका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट के अंदर एक्चुअली में पैसा वहीं बनता है जहां पर आपको पहले से ही पता हो कि मार्केट की सिचुएशन एक्चुअली में है क्या। अगर हम आज की बात करें तो हमको पहले से ही मालूम था कि डिप जो है मार्केट के अंदर आ सकता है, और मार्केट के अंदर डिप आया भी। आप सब लोगों ने देखा, मैंने आपको अपने सब लोगों को YouTube चैनल के ऊपर मैंने वीडियो बनाकर पहले ही पोस्ट किया था। साथ में जो भी लोग टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन हैं, उनको भी यहाँ पर पता था कि मेरा एक डिप बनता था मार्केट के अंदर। टाटा पॉइंट ने वो बताया भी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अगर पहले से ही पता होगा कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, कब क्या होने वाला है, डाटा पॉइंट्स को रीड करने की हैबिट अगर आपको होगी, टेक्निकल्स के बारे में अगर आप जानते होंगे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मार्केट के अंदर प्रॉफिट होने वाला है। अदरवाइज यहाँ पर मार्केट के अंदर कोई भी तुक्का या कोई भी गैम्बलिंग नहीं चलेगी, इस बात को आप ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, इसी लर्निंग के साथ हम आज आपके सामने निफ्टी व्यू पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आज के दिन मार्केट के अंदर पहले हम देख लेते हैं हुआ क्या। तो यहाँ पर मार्केट जो है ओवरऑल एक सुबह जब ओपनिंग हुई तो गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन दोस्तों यहां पर पहले से ही हम लोगों ने डिसाइड किया था। अपने पुराने वीडियो पे जाके चेक कीजिएगा, हम लोगों ने जो वीडियो पोस्ट किया था सैटरडे के दिन, हमने आपको साफ साफ कहा था कि 15,800 के आसपास मार्केट का सस्टेन कर पाना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो दोस्तों, यहां पर वही चीज़ हमारे काम भी आई। हमने आपको कहा था कि 15,800 के आसपास काफ़ी ज़्यादा कॉल लाइटिंग हो रखी है, वहाँ पर रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर सस्टेन करना मुश्किल है। मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। मार्केट 15,790 के आसपास हाई बनाया और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई। तो यहाँ दोस्तों देख, आप समझ सकते हो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंस किसकी ज़्यादा है। इम्पोर्टेंस डाटा पॉइंट्स की बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर मार्केट गैप अप होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राइटिंग शुरू हो चुकी थी मॉर्निंग के अंदर ही, और वहाँ पर फिर एक डिप आया। लेकिन मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट भी किया था, दोस्तों यहाँ पर डिप तो ज़रूर आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं डाउनसाइड मूव की पोजीशंस कोई भी नहीं लेने वाला। रीज़न क्या था? रीज़न केवल एक ही रीज़न था। रीज़न क्या था कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड सिचुएशन में है, और कभी भी ओवरसोल्ड सिचुएशन के अंदर हम अगर मार्केट को शॉर्ट करने जाएंगे तो वो चीज़ हमको बैकफायर कर जाएंगी। इसी लर्निंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको साफ साफ कहा कि यहाँ पर मैं कोई भी शॉर्ट करने वाला नहीं हूँ। टेलीग्राम चैनल के ऊपर अगर आप ज्वाइन नहीं हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन करने का, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको ट्रेड्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, आपको लर्निंग मिलेगी, आपको सही डायरेक्शन मिलेगी, आपको डाटा पॉइंट्स के ऊपर क्या हो रहा है लाइव मार्केट के ऊपर वो सब चीज़ मिलेगी, और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर आज का जो लो लगा है 15,650 का लगा है, ये वही लो है दोस्तों जो फ्राइडे के आसपास भी लगा था, और वहाँ से ही मार्केट बाउंस किया था। याद रखिएगा, वहीं से मार्केट बाउंस किया था पहली चीज़। तो वहाँ से एक सपोर्ट है हमारा मार्केट के अंदर 15,600 के आसपास से लेके 15,650 का एक सपोर्ट है, हम लोग पहले से ही जानते हैं। प्लस दूसरी चीज़, यहाँ पर मार्केट जो है ओवरसोल्ड सिचुएशन के अंदर भी है डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सोने पे आप सुहागा मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट ओवरसोल्ड है, प्लस हमारे जो है सपोर्ट रेंज के आसपास भी है मार्केट। तो इसीलिए अब मेरा कल का सिंपल सा स्टांस है कि अगर मार्केट के अंदर गलती से भी कोई डिप आज की तरह आया, तो मैंने आज भी यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट नहीं किया था जाते जाते, और कोई भी शॉर्ट साइड की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं की थी। दूसरी चीज़, तो यहाँ पर कल भी अगर मुझे कोई डिप मिलता है तो मैं फिर दोबारा से शॉर्ट बिल्कुल करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट के अंदर कहीं पे भी कभी भी शॉर्ट करना ठीक नहीं होता है। तो अगर मुझे कल कोई डिप मिलता है मार्केट के अंदर, जो सपोर्ट है निफ्टी के अंदर वो 15,600 से लेकर 15,650 के बीच में है, इस बात को आप ख्याल रखिएगा। वहीं के आसपास के लेवल, उस लेवल के आसपास आपको मार्केट अगर मिलता है, डेफिनेटली एक बाय अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ओवरसोल्ड है और मार्केट का रेसिस्टेंस फिर दोबारा से 800 के आसपास और 830 के आसपास रहेगा। लेकिन जिस तरीके से आज मार्केट ने बोथ साइड की मूवमेंट दिखाई, मुझे एक्सपेक्ट नहीं है कि कल भी ऐसा ही टफ मार्केट रहने वाला है। तो अगर कल मार्केट डिप में मिलता है तो मैं डेफिनेटली बाइंग के लिए सोचूंगा, ओवरसोल्ड मार्केट में मैं शॉर्ट की नहीं सोचूंगा, और मेरा टारगेट जो रहेगा निफ्टी के लिए वो 15,800 के आसपास रहेगा। बाकी जो भी अपडेट होगी मार्केट के अंदर लाइव डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर दोस्तों, वो मैं यहाँ पर आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा।
एक इंपॉर्टेंट अपडेट और देना चाहता हूं कि यहां पर हमने जो है मेंबर ओनली वीडियोस को पोस्ट करना शुरू कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबर्स ओनली वीडियो को एक्सेस पा सकते हो। कल का मेंबर्स ओनली वीडियो जो है मैंने पब्लिक कर दिया है, आप जाके चेक कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा हमने कहा था अपनी मेंबर्स ओनली वाली वीडियो के अंदर, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही हुआ है। बड़ी अच्छी बात है, ऐसा बहुत कम होता है कि कभी कोई बंदा एनालिसिस करे और उसका एनालिसिस कॉपी पेस्ट हो जाए अगले दिन मार्केट के अंदर। तो दोस्तों ये अच्छा है, ये बहुत बढ़िया बात है कि हमारा कॉपी पेस्ट हो रहा है, एनालिसिस अच्छी बात है। तो जैसा हमने कल मेंबर्स वीडियो के अंदर कहा था, आज वैसा ही हुआ। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, अगर आपने नोट डाउन किया होगा, यहाँ पर एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो आज का बहुत अच्छा है। 900 से ऊपर जो है आज मार्केट के अंदर एडवांस हुए शेयर्स, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जो बताता है हमको, क्या बताता है कि वो हमको स्ट्रेंथ बताता है मार्केट की। तो अगर मार्केट स्ट्रेंथ में है, मार्केट ओवरसोल्ड है, मार्केट के अंदर डिप आया है, सपोर्ट के आसपास मार्केट मिल रही है, तो दोस्तों शॉर्ट क्यों करना, हमको नहीं करना है शॉर्ट। इस चीज़ की इंडिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल चुकी थी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी भी फुल बियरिश नहीं हूँ, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है पिछले एक महीने से। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट खुद बताएगा कब उसको ब्रेकआउट करना है, मार्केट उस खुद बताएगा कब उसको ब्रेकडाउन करना है। लेकिन अभी के हिसाब से अगर मैं कल की बात करूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए। मार्केट के अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली बाइंग यहाँ पर करनी चाहिए। कल की मेंबर्स ओनली वीडियो के अंदर आप जाके चेक कीजिएगा, कम से कम 12 स्टॉक्स वहाँ पर, पर्टिकुलरली सेक्टर्स जो थे वहाँ पर फोकस में, जो भी 12 स्टॉक्स फोकस में थे पूरे वीक के लिए, वो स्टॉक दिए गए थे, वो सबके सब स्टॉक जो हैं परफॉर्म करे। मार्केट चाहे बेचक से नीचे गया हो, लेकिन क्योंकि मार्केट का एडवांस डिक्लाइन रेशियो, मार्केट ओवरसोल्ड सिचुएशन में फ्राइडे को भी था, आज भी था, इसलिए वहाँ पे स्टॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रैली अच्छी मिली और सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वहाँ पर ग्रीन में आज क्लोज हुए। तो दोस्तों यही फ़ायदा होता है, आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको ग्रैब करनी होंगी। अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटीज़ पहचाननी होंगी। दोस्तों ये हुई लर्निंग और ये हुई कल के लिए एनालिसिस, कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा क्या स्टांस है निफ्टी को लेके। अब दोस्तों फटाफट से बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी को मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि आज, पहले एक मिनट मुझे दीजिएगा कि मैं बैंक निफ्टी को यहाँ पर पहले अपडेट कर लेता हूँ कि आज एक्चुअली निफ्टी आज थोड़ा ज़्यादा टूटा, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई है। इस बात को भी ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर बैंक निफ्टी उतना वीक नहीं है दोस्तों, जितना हमको यहाँ पर मार्केट डरा रहा है। ध्यान से समझिएगा, मार्केट डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमको डरना नहीं है मार्केट के डराने से। किस वक्त डरना है वो डाटा पॉइंट अपने आप बताएगा, लेकिन अभी डरने की कोशिश नहीं है। अभी मार्केट डरा रहा है लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मार्केट आज उतना नहीं टूटा जितना निफ्टी टूट गया, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का मार्केट स्ट्रांग है, इस ऑफिस पर आप इसी को समझ लीजिएगा। बैंक निफ्टी अगर स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी का ही पार्ट है, निफ्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसका मतलब क्या कहते हैं उसका 30% के आसपास उसका वेटेज है, आप इसी को समझ लीजिए निफ्टी के अंदर। तो कल को अगर बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट आनी शुरू हुई तो डेफिनेटली निफ्टी भी यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट कल दिखा सकता है। मैं अभी यहाँ पर बिल्कुल भी मार्केट के अंदर ओवरसोल्ड नहीं हूँ, मैंने डाउनसाइड मूव को कैप्चर नहीं किया था, आप सबको अपडेट भी किया था। तो बैंक निफ्टी मुझे अच्छा दिख रहा है, बैंक निफ्टी जो है स्ट्रांग है, इस बात का आप अपडेट लिख लीजिए। बैंक निफ्टी का जो रेसिस्टेंस होने वाला है दोस्तों वो 15,600 का होने वाला है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 15,500 से लेके 15,600 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, इसको अगर ब्रेक किया कल के दिन मार्केट ने, बैंक निफ्टी के मार्केट ने, तो डेफिनेटली अगला टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा दोस्तों 15,800 का, वही पुराना रेसिस्टेंस जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी पहले से है। तो इस बात को आप ख्याल रखिएगा, मेरे यहाँ पे दो टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं, पहला टारगेट है 15,500 का, सेकंड टारगेट है मेरा 15,800 का। और मैं यहाँ पे भी मार्केट के अंदर बिल्कुल भी बेरिश नहीं हूँ अगर मैं कल की बात करूँ तो। दूसरी चीज़ कि अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 35,000 का यहाँ पे मोटा मोटा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के अंदर, 35,000 का सपोर्ट के साथ अगर आपको वहाँ पे मार्केट मिल जाता है तो आप बिल्कुल भी शॉर्ट ना कीजिएगा, आपको 400-500 पॉइंट की अपसाइड रैली होती हुई मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो मेरे फोकस में है, वो कुछ स्टॉक्स क्या हैं। दोस्तों ऑलरेडी मैं DLF के अंदर काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप समझ लीजिए कि मेरा ऑलरेडी पोजीशंस हैं DLF के अंदर, जो मेरे पुराने फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हैं
वो जानते हैं मेरा डीएलएफ के अंदर अच्छा क्या कहते हैं मेरा इन्वेस्टमेंट है, पहले से ही इन्वेस्टमेंट है, और मेरा इन्वेस्टमेंट जो था वो 260 के आसपास से है। तो मतलब और अभी जो है 310 के आसपास डीएलएफ पहुंच चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर डीएलएफ जो है अगर 316 के ऊपर, याद रखिएगा डीएलएफ अगर 316 के ऊपर क्लोज देता है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम्स बहुत हैवी होते जा रहे हैं और रियल एस्टेट सेक्टर वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो पहला स्टॉक जो है वो यहाँ पर डीएलएफ है, और दूसरा स्टॉक जो है जो मेरे रडार पे है अगर, और ये सब स्टॉक जो है वो पोजिशनल रहेंगे दोस्तों, ये सब स्टॉक पोजिशनल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की, यहाँ पर आपको स्टॉक्स के नाम भी यहाँ पर अपडेट करते जाइए। दोस्तों यहाँ पर दूसरा स्टॉक जो मेरे को मेरी फोकस में है वो है दोस्तों रिलायंस। याद रखिएगा रिलायंस, अभी रिलायंस जो है अपने बिल्कुल सपोर्ट के आसपास है, और जो रिलायंस का सपोर्ट है वो 2060 के आसपास है। याद रखिएगा 2060 के आसपास है, आज का जो लो बना है 2070 के आसपास बना है, तो यानी कि कहीं ना कहीं सपोर्ट से इसने बाउंस मतलब लेना इसका बनता ही बनता है, और अब ये बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मतलब एक काफ़ी रेंज में है, तो मतलब अब इसको अगर बाउंस करना है तो यहाँ से इसको बाउंस करना ही होगा, इस बात को आप समझ लीजिए। और रिलायंस अगर बाउंस किया तो निफ्टी को भी बाउंस करना होगा। तो यहाँ पे अगर आपको 2060 के आसपास रिलायंस मिल जाता है तो पोजिशनल आप कर सकते हो 2050 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा आज के मार्केट के अंदर, इस टाइप की जो मार्केट चल रही है स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है, और आपको टारगेट जो है 2120 तक के टारगेट आपको आने वाले एक या दो दिन के अंदर मिल सकते हैं रिलायंस के अंदर, इस बात का आपका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर एक तीसरा स्टॉक जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा तीसरा स्टॉक किस मेरा रडार क्या है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, तीसरा स्टॉक जो है दोस्तों वो है ICICI बैंक, जो मेरे रडार पे है। दोस्तों यहाँ पर ICICI बैंक की अगर आप कैंडल देखोगे तो उसने मतलब पिछले फ्राइडे का जो लो है वो नहीं तोड़ा, और आज की जो क्लोजिंग है वो पिछले दिन की क्लोजिंग से अच्छी हुई है, और यहाँ पर एक बस एक ही रेसिस्टेंस बचा हुआ है यहाँ पे 649 का। दोस्तों अगर 649 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है ICICI बैंक तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको 655 के बाद 660 तक के टारगेट्स आपको अगले 2 से 3 दिन के अंदर मिल सकते हैं, तो 655 मेरा पहला टारगेट होगा ICICI बैंक के अंदर। दोस्तों ये थे हमारे 3 स्टॉक जो मेरे फोकस में हैं। सेक्टर्स में आपको पहले बता चुका हूँ, मेंबर्स ओनली वीडियोस के अंदर जाके अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो आप जाके चेक कीजिएगा। और सेक्टर जो है वो रियलिटी सेक्टर काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, फार्मा सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, और ऑयल एंड गैस अब धीरे धीरे जो है अपना बाउंस की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इस बात को आप ख्याल रखिएगा। तो रिलायंस के अंदर जरा थोड़ा सा नज़र बना के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रडार पे है वो, और मुझे उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और उम्मीद करूँगा कि आप इस टाइप से जो मैं प्रेजेंटेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको ये पसंद भी आएगी, और आपको यहाँ पर लर्निंग भी सीखने को मिलेगी। दोस्तों ये प्रेजेंटेशन आपको समझ में आई क्या, आप इसी तरीके से आप पर डे का व्यू चाहते हो या नहीं चाहते, या इसमें कुछ भी आप सजेशन चाहते हो, बदलाव चाहते हो, चेंजेस चाहते हो, डेफिनेटली आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम और ट्विटर को अगर ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। और याद रखिएगा IPO आने वाला है Zomato का, मेरा IPO का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ Zomato के बारे में, मेरा व्यू काफ़ी अच्छा है और मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, और अप्लाई डेफिनेटली करूँगा। 14th को अप्लाई होने की डेट ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पे Zomato के बारे में ऑलरेडी मैं यहाँ पे वीडियो बना चुका हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।